पहला चेहरा आपको बता दे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और दूसरा चेहरा आपको बता दे गरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक बार ये तस्वीर आप जरूर देख लीजिए। वोट लेने का समय आता है जब सारा कुछ करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलता। मनोहर लाल जी, आपके पधारने पर कोई स्वागत नहीं है यहाँ पर। अच्छी छतें हैं, कड़ियों वाली छतें हैं, टूटी फूटी कड़ियां हैं, कब छत ढह जाए कुछ नहीं पता, कब जो है परिवार नीचे दब जाए कुछ नहीं पता। भाजपा को वोट नहीं देने? भाजपा तो बड़े बड़े वादे करती है। वादे करती है मैडम, वादे कोई भी वादे पर सच्चा नहीं उतरता। अगर सच्चा उतर जाए तो वोट मिल जाती है। छतें पक्की हो जाएंगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनकी छतें कड़ियों वाली है। सरकार की पक्की हो जाएगी, सरकार ही चली जाओ ऊपर से भी नीचे। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, भाजपा को हम वोट कैसे देंगे? ये टेप किसने लगाई है? ये टेप सुल्तान जी ने लगाई है। अच्छा। सरपंच सुल्तान ने लगाई है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दें कि चुनावी साल है और चुनावी गर्मी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में गर्मी आ चुकी है। आप ये तस्वीर एक बार देख सकते हैं, करनाल के छपरा खेड़ा गांव में मौजूद है और ये गांव का द्वार है। गांव के द्वार के बाहर आप देख सकते हैं कि जो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी, पूर्व मुख्यमंत्री और गरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, उनकी ये तस्वीरें हैं। गांव वासियों ने इनका बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत छपरा खेड़ा में आपके पधारने पर हार्दिक स्वागत है, लेकिन आप मनोहर लाल जी, आपके पधारने पर कोई स्वागत नहीं है यहाँ पर। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप पहुंचोगे तो बहिष्कार पहले से ही जो है गांव वासियों ने कर दिया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और आपको बता दें परली तरफ भी जो तस्वीर है वहां पर भी जो है इसी तरह से टेप लगा दी गई है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए, यहाँ के लोगों से भी बातचीत जरूर करेंगे। धरातल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि धरातल पर क्या हाल है। जो सरकार योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का लाभ जो है गाँव वासियों को नहीं मिलता है। की बात करें तो धरातल पर भी जो है गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, और गांव वासियों की बात करें तो गांव वासियों को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कच्ची छतें हैं, कड़ियों वाली छतें हैं, टूटी फूटी कड़ियां हैं, कब छत ढह जाए कुछ नहीं पता, कब जो है परिवार नीचे दब जाए कुछ नहीं पता, और जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए जो है गाँव वासियों ने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टेप लगा दी है। पहला चेहरा आपको बता दे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और दूसरा चेहरा आपको बता दे गरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक बार ये तस्वीर आप जरूर देख लीजिए। छपरा खेड़ा गांव के लोगों ने जो है भाजपा का बहिष्कार कर दिया है। ये बैनर आप देख सकते हैं, भाजपा ने ही नया बैनर लगवाया यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी हम इस गांव में पहुंचे थे यहाँ पर जो है ब्लू कलर का बैनर था। अपने बैनर जरूर लगा रही है भाजपा सरकार, लेकिन ये देख सकते हैं तस्वीरें कि क्या है। एक बार यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे, वीडियो को भी शेयर जरूर करते रहिए। काम मैडम कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा। और हमारे भी मकान कड़ियों के हैं, जबकि कड़ियों में घून लगा हुआ है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, भाजपा को हम वोट कैसे देंगे? ये टेप किसने लगाई है? ये टेप सुल्तान जी ने लगाई है। सरपंच सुल्तान ने लगाई है, अरविंदर कल्याण गाँववासियों ने लगाई है। गाँववासियों ने लगाई है। इन आप सरपंच का नाम क्यों ले रहे हो? सरपंच नाम तो आता है ना सरपंच का। गाँव वासियों ने लगाई है। हमारा नाम, हमारा गाँव है छपरा, जसवीर लाठर, और उन्होंने भी यही इंक्वायरी की है भाई जो कड़ियों वाले मकान है हम पक्के बनाएंगे, अभी तक कोई मकान नहीं बने। चुनाव नजदीक है, अगर भाजपा के कोई कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं तो फिर मैडम उनको वोट देने का कैसे दिल करेगा? जो 20-20 साल पुराने कड़ियों के मकान है अभी तक वो मकान नहीं बने हैं। आवास योजना चलाई है सरकार ने, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं, लाभ मिला नहीं, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है। उसका फायदा क्या है वोट देने का जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा आपको? सरकार ने तो कहा था 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनकी छतें कड़ियों वाली है। सरकार की पक्की हो जाएगी, सरकार ही चली जाओ ऊपर से भी नीचे। चुनावी माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है इसका, ये कांग्रेस का। अच्छा, भाजपा का बहिष्कार कर दिया? बिल्कुल जी। अच्छा, ये टेप किसने लगाई? ये गाँव वासियों लगाई, देने वोट इसको। अच्छा, देनी नहीं, भाजपा को वोट नहीं देनी? नहीं जी, भाजपा तो बड़े बड़े वादे करती है। वादे करती है मैडम, वादे कोई भी वादे पर सच्चा नहीं उतरता। अगर सच्चा उतर जाए तो वोट मिल जाती है। जब मान ली सरकार को, जब सरपंच पंचायत को इतना मिलता है तो उसमें लगाने के लिए क्या दिक्कत है उनको? वो लगाते क्यों नहीं?
आपकी भी कच्ची छत है? हाँ कच्ची छत है, जाके देखो। पहले भी हमने, आज से 20 साल पहले भी हमने वो डॉक्यूमेंट दिए थे, कड़ी हो गए अभी तक। आपकी छत कैसी है? कच्ची है, कच्ची है, कड़ियों वाली छत है। आज जाके देख लो, डब्बे डब्बे देख लो। अच्छा तो ये टेप किसने लगाई है? मैडम जो ये काम नहीं करेंगे तो होएगा वो तो। और क्या, ये घोषणा कर जाते हैं गांव में, फिर देते हैं नहीं कुछ। वोट जब वोट लेने का समय आता है, जब सारा कुछ करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं मिलता। फिर कोई नहीं भाई होता। बात करें धरातल की तो गाँव वासी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हमने बातचीत की है। सीधे तौर पे कह रहे हैं भाजपा का बहिष्कार कर दिया है, अब की बार जो वोट है हम जो है भाजपा को बिल्कुल भी नहीं देंगे, ये जो है गांववासी कह रहे हैं। और आपको बता दें इनकी जो छतें हैं वो कच्ची है। सरकार ने वायदा किया था 2022 तक आवास योजना के तहत सबकी छतें पक्की हो जाएंगी, लेकिन पक्की छतें नहीं हुई, जो कच्ची छतें थी वो भी गायब होने लगी है। और जो लोग रह रहे हैं ना उस घर के अंदर, उन कच्ची छतों के नीचे जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं, और परिवार वाले कब दब जाए, कब छतें ढह जाए कुछ नहीं पता। और वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।